भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को हरियाणा के पंचकुला पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनोहर लाल के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से देश और प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। भाजपा से पहले जाति और समुदाय के नाम पर वोट मांगा करते थे और समाज को बांटते थे। आज भाजपा के विकास कार्यों पर जनता अपनी मोहर लगा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों की भूमि है, जवानों, खिलाड़ियों और पहलवानों की भूमि है। हरियाणा भारत की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है। आज सरकारी कर्मचारी खुश है, आज किसान खुश है, आज उद्योगपति खुश है। उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट का काम बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आए पूरे देश में हरियाणा की सबसे नंबर एक पर आज हमारी प्रति व्यक्ति आय है नंबर एक पर है। तो बातें बताने की इच्छा बहुत है, लेकिन मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारी हरियाणा की धरती, ये संस्कृति से ओतप्रोत ये धरती, ये धार्मिक लोगों की धरती, कुरुक्षेत्र की ये भूमि और कुरुक्षेत्र के 48 कोसी परिक्रमा का जो एरिया जिसके अंदर आज हम कैथल में अपनी सभा कर रहे हैं, इस सारे क्षेत्र का तो विशेष एक मनोभाव है कि हम समाज के अंदर अच्छाई को कैसे फैलाएं, बुराई को कैसे कम करें, इन चीजों की हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, खास करके स्वास्थ्य संबंधी बातें तो मैं इसलिए भी आपको बताना चाहूंगा कि जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आपके द्वारा चलाई जाने वाली सारी योजनाएं, उनको हम भरपूर मनोयोग से उन सबको आगे बढ़ा रहे हैं और इसी प्रकार से समाज के हित में लगातार अपना परिवार मान करके इनकी सेवा करते रहेंगे और आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, यही आपसे अनुरोध। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज कुरुक्षेत्र के कैथल स्थान में इस पवित्र नगरी जिसे हम कपिल मुनि की पवित्र धरती कहते हैं, ऐसे पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। और ऐसा भी बताया जाता है इतिहास में कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इस कैथल को, कपिल स्थल को बसाने का भी काम किया था। ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे आने का मौका मिला, मैं अपनी ओर से इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है, तो वह हरियाणा है, उसको मैं नमन करता हूं। इसी पवित्र भूमि पर भगवान कृष्ण ने गीता की रचना की, उपदेश दिया, ऐसी पवित्र भूमि सच में हम सबके लिए प्रेरणादायी है। सबसे पहली बात हमको क्या समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से राजनीति की, देश की और प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। इस बात को सबसे पहले समझना। पिछले 70 साल के अंदर, 75 साल में पिछले कांग्रेस के शासन जब जब रहा और अन्य पार्टियों का भी शासन रहा, उन्होंने समाज को बांटने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, इलाके को इलाके से लड़ाया और अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, जमे रहे और लोगों का भला नहीं किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी मंच पर आते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ मंच पर आते हैं, संदीप सिंह मंच पर आते हैं, तो छाती ठोककर हरियाणा की जनता को बताते हैं कि उसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, इस दावे को रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, हर तरीके से विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। और यहां बैठे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि याद रखो, ये तुमको आसानी से नहीं मिली है, आपने सही समय पर सही बटन दबाकर कमल को खिलाया, मोदी जी को बैठाया, मनोहर लाल जी को बैठाया और आज विकास के फल आपको मिल रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, एक तरफ
लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक योद्धा के रूप में नरेंद्र मोदी देश की सेवा में जुटे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ लगी है और लोगों के गांव गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित इनकी तस्वीर बदले तकदीर बदले भारत आगे बढ़े इसके लिए काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और दूसरी ओर अपने परिवार को बचाने के लिए अपने बेटे को बचाने के लिए अपने बेटी को बचाने के लिए अपने भतीजे को बचाने के लिए अपने भराने को बचाने के लिए अपने दामाद को बचाने के लिए ये परिवार की पार्टियां ये खुद के लिए हैं, हम देश के लिए हैं, वो परिवार के लिए है। और तीसरी बात समझ लो, जो लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुद ही बेल पर हैं, वो खुद ही बेल पर हैं, ये क्या लड़ेंगे, ये क्या लड़ पाएंगे, ये तो खुद इनकी पांव जंजीरों से बंधे हुए हैं, ये क्या लड़ाई लड़ेंगे, ये क्या जनता को देंगे। इसलिए मित्रों, जो जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है मैं उनको बधाई तो देता ही हूं, लेकिन मैं उनको यह भी बताना चाहता हूं कि आपने सही रास्ता पकड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर जी जो यहां अच्छा काम कर रहे हैं उसको आप आशीर्वाद दीजिए, हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाइए, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाइए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।